आई एम एड्रेसिंग दोज डीलर्स लॉयर एक्चुअली कोट एंड कोट डीलर्स लॉयर राइट दे आर सो कॉल्ड प्रैक्टिसिंग लॉयर्स। जब आप कहते हो ना पुलिस सर्विस के सामने या एडवोकेट के सामने या जजेस के सामने यू नो थोड़ा आप नीचे जाइए हम थोड़ा ऊपर आते हैं यू नो काइंड ऑफ स्टेटमेंट राइट यू मस्ट बी लिस्निंग मी राइट। यू नो हिंदी में बोलते हैं ना धंधा बहुत बुरा लगता है, इंग्लिश में बोलते हैं ना इट्स अ काइंड ऑफ न्यू बिजनेस और बहुत लोग ये कर रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं। अदरवाइज पुलिस सर्विसेज लीगल एक्सपर्ट्स दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन बैक ऑफ द स्टेज कितना दे सकते। आपको लॉयर बोलते हैं, लुक एट दोज लॉयर्स दे आर डाइंग फॉर ऑनेस्टी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट आई एम सेइंग पर्सनली यू नो आई हैव गॉट सो मेनी एक्सपीरियंस जहाँ पे जितने भी लॉयर्स हैं यंग एज वाले राइट दे हैव जस्ट कम्प्लीटेड देयर एडवोकेसी एंड यू नो देयर LLB दे आर डूइंग सो गुड बट दे आर नॉट आस्किंग कितना दे सकते। जब कहती हो ना जब कहते हो तो शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। दलाल हो क्या? यस आई एम सेइंग हिंदी दलाल हो क्या? उसके बाद क्या कहते हो देख लेंगे तू है कोई देखो ना मुझे पता है फ्रंट पे आके कोई आदमी नहीं कहता है कि उसके बाद क्या हुआ है क्योंकि सब लोग शर्म आती है ना कि हमारे ये सोशल यू नो पैरामीटर्स हैं जहाँ पे वो लड़का कुछ कह नहीं सकता है उसके बाद कुछ भी हो वो कह नहीं सकता है। सिर्फ औरतों का बलात्कार नहीं होता है आदमी का भी होता है ठीक है डिसऑनेस्ट सेक्स होता है अनवांटेड सेक्स होता है हम क्यों ना कहें ठीक है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ ठीक है मेरी बात करने के बाद शायद मुझसे कोई बात ना करे लेकिन जो मेरी बात है ना उसकी बात आप करेंगे तो बात का ध्यान रखिएगा बात इम्पॉर्टेंट है। आप भले मुझसे बात ना करें लेकिन आप मैंने जो इशू उठाया है उस बात के बारे में आप बात ज़रूर करेंगे नहीं भी करेंगे ना तो चार दीवारी के अंदर आप सोच के रखेंगे कि बात का सच क्या है। अपने भाई और फादर का इंतजार मत करिए कम से कम मेरी बात करना है सही लेकिन जो बात है 22498 उसके बारे में सोचिए तो कम से कम। और मैं बोलता रहूँगा कट से ना तुमसे कह रहा हूँ स्टॉप करके देख लो।